अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो हम सबकी पसंदीदा है। तो जी, आज हम बना रहे हैं चिकन जिंगर बर्गर। तो उसके लिए हमने क्या किया है, चिकन लिया हमने, चिकन में हमने थाई का जो पीस होता है ना वो लिए, ठीक है। इसको हमने इस तरह से बोनलेस करा लिया है। ये देखिए जी, ये सब पीसेस को हमने इस तरह से बोनलेस करा लिया है। और अब हमने क्या किया है, इसको हमने अच्छे से तरह से धो लिया है। धोने के बाद हमने इसको क्या किया था, इसमें इतना पानी ऐड किया था कि ये जो सब पीसेस है पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए, ठीक है। और पानी में हमने ऐड किया था 1/2 कप के बराबर वाइट विनेगर, सिंपल वाला जो सिरका होता है वो हमने इसमें ऐड करके इसको 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह मैरिनेट होने के लिए रख दिया था, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो चिकन है ये अच्छे से टेंडर हो जाएगा, मतलब जल्दी टेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इसमें जो स्पाइसेस ऐड करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। चिकन को हम इधर वाली साइड पे कर लेते हैं। अच्छा, इसमें स्पाइसेस जो चाहेंगे वो है नमक, इसमें चाहेगा 1 टीस्पून के बराबर, ठीक है। और रेड चिली जो है वो 1 टेबल स्पून, और जो ब्लैक पेपर है वो 1 टीस्पून के बराबर जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमने इसमें ऐड कर दिया है। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट, और 1 टीस्पून के बराबर ही अदरक का पेस्ट चाहिए हमें। अच्छा जी, अगर आप लोगों के पास लहसुन और अदरक का पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट, तो मैं यहाँ पे फ्रेश लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड कर रही हूँ। तो बस ये, अच्छा अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं सारे जो स्पाइसेस हैं, और लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से हमने सब पीसेस पे लगा देने हैं, ठीक है। ये ना हो कि किसी पे ज़्यादा और किसी पे कम हो, ठीक है। तो आपने इस तरह हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से सब पीसेस पे लगा देना है, और तकरीबन इसको हमने 2 से 2.5 घंटे के लिए रख देना है मैरिनेट होने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं, और अगर नहीं टाइम है तो अभी मैं जो ये वाला स्टेप कर रही हूँ ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। बस इसको लगाया और ये पे बनाया ये वाली कोटिंग, और फिर आपने इसको कर लेना है फ्राई, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने क्या किया था, 3 कप जो है वो मैंने लिया था मैदा, 1/2 कप इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर, 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, और 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें नमक, ठीक है जी। ये सब हमने ड्राई जो इंग्रेडिएंट हैं इसको अच्छी तरह से स्पून की मदद से मिक्स कर दिया है। और अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, ठीक है। और अगर आपके पास लहसुन का पाउडर है तो आप वो ऐड कर लें, मैं इसमें लहसुन का जो है पेस्ट है वो ही ऐड करूँगी, ठीक है जी। वो हमारी कोटिंग रेडी हो गई है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने जो इसमें सॉस ड्रिजल करनी है वो बनाएंगे। उसमें हमने क्या किया था, 4 टेबलस्पून हमने ले ली थी टमाटो के अचप, और 4 टेबलस्पून ही हम इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड कर देंगे, और 1/2 कप के बराबर हम इसमें मायोनीज ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं 1/2 कप के बराबर जो है हमने इसमें मायोनीज ऐड कर दी, ठीक है जी। ये देखिए, ये 1/2 कप है और ये सारा इसमें मैंने ऐड कर दिया, और इसको हम मिक्स कर लेंगे और हमारी मज़ेदार सी जो है सॉस वो बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारी मज़ेदार सी सॉस रेडी हो गई है। और अब हमने क्या करना है कि अब हमने चिकन को कोट करना है मैदे में। तो अभी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो गए थे इसको मैरिनेट हुए हुए, और अब हमने क्या करना है कि एक एक पीस उठाना है और इसको इस तरह से मैदे में कोट करना है। पहले हम इसको इस तरह से 1 मिनट के लिए करेंगे कोट, अच्छी तरह से हमने इसको प्रेस कर करके इसको कोट करना है, ठीक है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से आप करिएगा। तो जब तक मैं ये चिकन की कोटिंग कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से जाएं और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो न्यू आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे 1 मिनट तक मैंने इसको कोट कर लिया, और इस पर आप देख रहे हैं क्रम्स जो है वो बनना स्टार्ट हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने सादा पानी लेना है, और इस चिकन के पीस को हमने सादे पानी में तकरीबन 1 सेकेंड के लिए ही हमने इसको डिप करना है, ठीक है। ये देखिए, आपने 1 से 2 सेकंड के लिए हमने डिप किया, और इसको अच्छे से पानी को ड्रेन करके हमने दोबारा से इसको 1 मिनट तक, जैसे हमने पहले कोटिंग की थी वैसे ही हमने दोबारा से 1 मिनट के लिए कोटिंग करनी है, ठीक है। तो ये अभी हम कर रहे हैं, और आप लोग जल्दी से मेरे जो वीडियो है इसको लाइक कर दें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाती हूँ, ठीक है जी। तो जब आप लोग लाइक करते हैं तो हमारी जो वो हौसला अफजाई होती है, तो बस आप जल्दी से लाइक करते। और जी, ये 1 मिनट हो गया, और अब आप क्रम्स देखिए कितने प्रॉपर, कितने अच्छे से इस पर क्रम्स बन गए। और जब ये फ्राई होंगे तो फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने अच्छे इस पर क्रम्स बने। अच्छा, अभी अगर मेरी आवाज़ इधर उधर हो रही है तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, कि मुझे थोड़ा सा फ्लू हुआ था तो उसकी वजह से।
तो जी ये यहाँ पे दूसरा चिकन का पेस्ट भी रेडी हो गया है और अब हमने इसको करना है फ्राई। ये देखिए जी, ये हमारे दोनों पीसेस रेडी हो गए, अब हम इनको करते हैं फ्राई और साथ साथ हम बाकी जो है उनको करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑयल हमने गरम कर लिया है और फ्लेम जो थी वो थोड़ी हमने हाई रखी है, तकरीबन 30 सेकंड के लिए हमने इसको हाई फ्लेम पे करना है और फिर जो फ्लेम है हम लो कर देंगे। इससे क्या होगा, जब 30 सेकंड्स के लिए हम हाई फ्लेम पे करेंगे उससे ये होता है कि जो हमारे क्रम्स हैं वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं और वो फिर ख़राब नहीं होंगे, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे हमने फ्लेम लो कर दी है, ये आपको बबल से भी पता चल रहा होगा कि फ्लेम जो है वो थोड़ी लो हो गई है, ठीक है। अच्छा जी, इसको 2 से 3 मिनट तक हमने एक साइड से करना है और ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तकरीबन 3 मिनट हो गए थे तो मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी और आप लोगों ने क्रम्स देखे हैं कि कितने अच्छे बन गए हैं, ठीक है। तकरीबन इसको 6 से 7-8 मिनट लग जाते हैं कंप्लीट डन होने में ना, तो अभी तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं और आप चेक करें कितने मज़े का ये हमारा चिकन पीस जो है वो बनके रेडी हुआ है और अब हम इसको निकाल लेंगे और बाकी जो है वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं क्रम्स कितने मज़े के बने हैं और आप लोग, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये जो है वो घर पर ही अपने बच्चों को बना के खिलाएँ, ठीक है जी। तो जब तक ये हो रहे हैं हम जो है अपने बर्गर्स जो है जिंगर बर्गर्स उनको संभल कर लेते हैं। हमने क्या किया है, हमने लिए हैं बंस, ये बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं, आप ले लीजिएगा। और एक बन हमने लिया है, इस पर हमने जो सॉस बनाई थी चिली गार्लिक सॉस, टमाटो केचप और मायनीज वाले, ठीक है, वो हम इस पर अच्छे से लगा देंगे। जितनी आपको पसंद है, आपको अगर थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा लगा लें, कम पसंद है तो आप कम लगा लें, ठीक है। यहाँ पर आप अपने जो बॉस वो खुद हैं, ठीक है जी। तो बस यहाँ पे अभी हम सॉस लगा रहे हैं, इसके बाद हम इस पे रख देंगे सैलेड लीफ। अगर आपके पास सैलेड लीफ नहीं है तो आप इस पे जो है बंद गोभी भी रख सकते हैं बारीक बारीक कट करके, तो अगर आपको बंद गोभी पसंद है वो रख दें, सैलेड लीफ पसंद है वो रख लें, ठीक है। तो ये हमने सैलेड लीफ रख दिया, इसके ऊपर हमने रख दिया अपना चिकन का पेस्ट जो हमने फ्राई किया हुआ था और ऊपर हम ड्रिजल कर देंगे ज़्यादा सारी ये जो सॉस हमने बनाई थी ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको जितनी पसंद है आप उतनी डाल लें, कम पसंद है कम डालें, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालें। और जी ये हमारा बन के तैयार हो गया है और अब मैं दिखा रही हूँ आपको फाइनल लुक। तो जी ये है हमारे जिंगर बर्गर की फाइनल लुक, आप लोग इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे, आप KFC का जो बर्गर है आप उसको भूल जाएंगे, तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली का और स्पेशली मामा जान के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।